कहना चाहेंगे? मैं राम यादव, जो है हमारे श्रीराम फाउंडेशन और नवनीत हॉस्पिटल के माध्यम से फिर एक बार यहाँ पर गणपत पाटिल नगर में बसने वाले झुग्गी झोपड़पट्टियों के वासियों के लिए आरोग्य चिकित्सा का यहाँ पर सेवा उपलब्ध किया है। इसका उद्घाटन अभी मैंने अपने हाथों से किया है। मैं मानता हूँ कि बारिश के दिनों में झोपड़पट्टी में रहने वाले सामान्य लोगों के लिए इस प्रकार का आयोजन करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, ऐसा मैं मानता हूँ। और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर इसका लाभ लेते हैं। सभी प्रकार के सुविधाओं का यहाँ पर चिकित्सक किया जाएगा और साथ साथ में 2 महीने मुफ्त में सारे लोगों को इलाज और दवाइयाँ भी दिया जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि एक सबसे बड़ा उपक्रम है। इन दिनों में चेकिंग करने के बाद में फिर लोगों को अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो फिर अपनी जेब से पैसा खर्चा कर इलाज करवाना पड़ता है, लेकिन 2 महीने तक निःशुल्क चिकित्सक सुविधा देना ये पहला ही अनुभव होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें मैं राम यादव को भी शुभेच्छा देता हूँ। हमारे नवनीत भाई जो है बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विकास विश्वास के जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, सारे लोगों को साथ में लेकर चलने का समय आ गया है और मैं मानता हूँ कि ये देश को आगे बढ़ाएगा। सर, गणपत पाटिल नगर एक ऐसी एरिया है, सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हर एक चीज़ की समस्या यहाँ पे है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों पे विकास यहाँ पे दिखाई देगा? देखिए, यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि मनीषा साई चौधरी जी है, हमारे काउंसिलर अभिषेक घोसालकर है, ये सारे लोग मिलकर और मैं भी स्वयं केंद्र सरकार से जो भी परमिशन की आवश्यकता थी वो सारे हम लोगों ने लाया है। अब पानी यहाँ पर आ गया है, लाइट का जनरेटर बिठाया गया तो सारे लोगों को लाइट आने वाले दिनों में मिलेगा। तो मानता हूँ कि धीरे धीरे जब कोई भी नई झोपड़पट्टी बसती है तो उसमें सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। मैं मानता हूँ कि गणपत पाटिल नगर को भी पर्याप्त समय अभी बीत गया है, अब आने वाले दिनों में सभी प्रकार की सुविधाएँ फटाफट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जी, थैंक यू सर।